नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो हीटर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस हीटर से 12,000 रुपये साल का मैं बचाता हूँ और इससे अधिक ही बच जाता है, जो शायद मैं आपको बताऊँगा। मैंने वीडियो बनाया था कि गैस से सस्ता ये हीटर है, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि इस पर सोलर लगवाना पड़ेगा। चलिए बताने वाले हैं, प्लीज़ लोगों को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, अगर आपके घर में 8 से 9 लोग हैं तो महीने का आराम से 1 से 1.5 बाटल तो खर्च आराम से हो जाता होगा, और कभी कभी अगर ज़्यादा लोग हैं तो 2 बाटल तो मान के चलो। और आज के टाइम की बात करूं तो गैस बाटला इस समय 900 कुछ रुपए का हुआ है, इसके पहले 1150 के समथिंग गैस बाटला था। दोस्तों, आपका महीने का 1500 रुपये का, 1200 रुपये का, 1300 रुपये का गैस जल जा रहा है। और दोस्तों, वो गैस जो आपका जल जा रहा है उसमें एक दुख ये होता है कि इतना गैस बाटला इतना महंगा हम भरवा के अपना काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। अगर दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि 12,000 प्लस साल का मैं बचाता हूँ, गैस इस्तेमाल होता ही नहीं है ये हीटर, कैसे? तो देखिए, सोलर अगर आप 12 वोल्ट का कोई भी ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर या लिथियम बैटरी अगर आप डाल देते हैं, या आप 24 वोल्ट का अगर आप डाल देते हैं, तो फिर यहाँ पे अगर आप 1-2 पैनल 550 वोल्ट के डाल देते हैं तो एक बार आपके 40 से 50,000 6,500 रुपये अगर लगते हैं तो वो आपके एक बार लगेंगे, वन टाइम लगेंगे। और दोस्तों, 3 से 4 साल तक फिर आपको बैकअप मिलता रहेगा। अगर दोस्तों आप 4 साल कैलकुलेट करोगे तो 12,000 रुपये में बचा रहा हूँ, तो 10 से 12,000 आप भी बचा सकते हैं जो आपने लगाया। वो ये हीटर चल के आपको आसानी से उतना आपको निकाल के दे देगा जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपका फ्री हो गया सोलर और इन्वर्टर, बैटरी 3 साल 4 साल 5 साल अगर चल गया तो भी दिक्कत नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि गैस से सस्ता कैसे है। देखो भाई, अगर आप बिजली पर इस्तेमाल करोगे कोई भी हैवी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट तो आपको ज़्यादा बिल आएगा, और अगर आप सोलर पे इस्तेमाल करते हो तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ रेन मैं 12,000 प्लस आराम से बचाता हूँ इस हीटर के थ्रू। मेरे हीटर पे हर वो चीज़ बनती है, मतलब कि इस पे 3 पॉइंट दिए रहते हैं। पहले पॉइंट पे आप दूध को पका सकते हैं। आपको पता है कि दूध हल्के आँख में आँच में पकेगा तो बढ़िया उसका एक खुशबू और अच्छे से उसका क्वालिटी होगा। 2 नंबर पे अगर आप करोगे तो आप फर्स्ट क्लास रोटी बना लोगे, और अगर आप 3 नंबर कर दोगे तो कोई भी अगर मान लो ज़्यादा लोग खाना बनाना है तो आप उस पर आसानी से अपना हर वो काम कर लोगे। इस हीटर की क्वालिटी है जो आपको लोकल मार्केट में लोगे तो 800 रुपये का 1200 वाट आएगा, अगर आप 2000 वाट को लोगे तो आपको 900 रुपये का आएगा। वैसे लोग इसको 1500-1500 रुपये का बेचते हैं, मैं इसको 800 रुपये 850 रुपये का मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि रियल लाइफ में मैं इतना पैसा बचाता हूँ। और जिसको ट्रस्ट ना हो मुझे मेल करे, मैं कमेंट में आपको अपना एड्रेस नहीं दे सकता, मुझे मेल करना, मैं आपको अपना एड्रेस दूंगा, आना और आके विजिट करके खुद यहाँ पे देखना कि मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग शुरुआत कीजिएगा थोड़े थोड़े पैसे लगा के, और अपना बिजली बिल बचाइएगा और अपना गैस बचाइएगा, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने जान लिया, समझ लिया, वीडियो कैसा लगा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।